नमस्कार। आज सही मायने में शीतकालीन सत्र आरंभ हो गया और आरंभ भी हुआ सुबह एक ऑल पार्टी मीटिंग करके। ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार का जो विचार था वो कह रहे थे कि उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाई थी, द गवर्नमेंट हैज टेकन ए व्यू दैट द डिसीजन टू परमिट 51% एफडीआई इन मल्टी ट्रेड मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड इज सस्पेंडेड till consensus is developed for consultation among various stakeholders। तो आज जब ये बात रखी गई ऑल पार्टी में तो वहां विपक्ष ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स को डिफाइन करिए और स्टेक होल्डर को डिफाइन करते हुए उन्होंने आगे बात बढ़ाई और कहा स्टेक होल्डर मींस दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेड देन द स्टेट। और उसी का सही जवाब देते हुए आज आनंद शर्मा ने राज्यसभा में उसको पूरा विस्तारित रूप से कहा जब एलओपी ने पूछा उनसे, सर एज द ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन एंड ऑनरेबल मेंबर हैव आस्क्ड, इट इज वेरी क्लियर दैट दिस पॉलिसी द इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क इज सच दैट स्टेट्स हैव ए डिस्क्रिएशन, देयरफॉर व्हेन वी से कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स दैट वुड इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट्स एंड इट सर्टेनली डज नॉट एक्सक्लूड but include the political parties। बात यहां से समाप्त हुई और जब बात ये समाप्त हुई तो लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा जी ने प्रणब बाबू के स्टेटमेंट के बाद कहा, सरकार ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय किया है उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जन भावनाओं के आगे झुकना सरकार की हार नहीं होती बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। तमाम राजनीतिक दलों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद और उन सभी लोगों से बात करने के बाद जिनके हित इस निर्णय से प्रभावित हो रहे थे, आम सहमति बनाने के बाद सरकार यह निर्णय करेगी। तब तक इन्होंने इस निर्णय को लंबित रखा है और उन्होंने उसके बाद प्रणब बाबू का और सरकार का धन्यवाद दिया। शायद ये बात अगर पहले दिन मान ली गई होती तो 8-9 दिन जो खराब हुए वो ना होते और अब तक कुछ महत्वपूर्ण विधेयक और महत्वपूर्ण चर्चाएं, लोकहित महत्व की चर्चाएं हो गई होती। आज उस सदन में डिमांड्स और ग्रांट्स पर चर्चा हो रही है और राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा करते वक्त जो इनिशिएट करते वक्त वेंकैया नायडू जी ने जो वक्तव्य रखा है, जो भाषण दिया है, उसकी कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी। पर आगे सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से कैसे चले ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और सरकार को ये पूरी तरह से जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए कि एक समन्वय सा बनाकर अगर
नीतियों पर, विधेयकों पर और लोकहित की महत्वपूर्ण चर्चाओं पर चर्चा हो सकी तो एक सार्थक शीतकालीन सत्र पालन किया जा सकेगा। और इसी बीच बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई कि किस कारण से लोग नहीं चाहते कि चर्चा हो महंगाई की या काले धन की या लोकपाल के विधेयक को रोकने के लिए कोशिश हो रही है। सब झूठ साबित हुई। कोई किसी विधेयक को रोक नहीं रहा, कोई किसी चर्चा को नहीं रोक रहा और कल महंगाई पर चर्चा होगी उस सदन में और उसके बाद जो सदन तय करेगा शायद सोमवार को काले धन पर चर्चा होगी। आज राज्यसभा में शून्यकाल में जेट एयरवेज के एक सिख पायलट मिलान एयरपोर्ट पर, जेट एयरवेज की जो फ्लाइट जाती है उसके एक सिख पायलट को वहां के एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मचारियों ने पगड़ी उतारने के लिए कहा और कहा कि पगड़ी की एक्सरे करने के लिए ट्रे में डर रखिए और उसकी एक्सरे होगी तब फिर पहन। उसके हजार प्रतिवाद करने के बावजूद भी उसे मजबूर किया गया कि वो अपनी पगड़ी को डिसरोब करें। ये मामला आज हमारे सदन में एनडीए घटक दल के नेता श्रीमणि अकाली दल के नरेश गुजराल जी ने उठाया, उसका समर्थन करते हुए हमने आवाज़ उठाई और सरकार से मांग की है कि इसके पहले जीव मिल्खा सिंह के ट्रेनर के साथ भी ऐसा ही हुआ था उसी मिलान एयरपोर्ट पर। और सदन में जब ये विषय मैंने उठाया था तो विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया था और इटली के राजदूत को बुलाकर उन्हें बताया गया था, पर उसके बावजूद ऐसा हुआ है, ये दुर्भाग्यजनक है और पुनः बुलाने के लिए कहा गया। दुर्भाग्यजनक इसलिए भी है कि जिस राष्ट्र का प्रधानमंत्री पगड़ीधारी, उस राष्ट्र के सिख नागरिकों के साथ में दूसरे जगह ऐसा व्यवहार हो रहा हो तो दुर्भाग्यजनक है, और वो भी इटली से। आप हंस रहे हैं किस कारण से मुझे नहीं मालूम, किंतु इटली में, इटली की एक और कारण है कि इटली का एक क्षेत्र है, इटली का चीज बहुत फेमस है और उनका जो सबसे फेमस चीज है वो जिस इलाके से बनता है उस इलाके में जितने चीज प्रोड्यूसर हैं या जितने डेयरी के मालिक हैं और जितने फार्मर हैं वो सब के सब सिख हैं। कई गांव वहां पूरे सिखों के हैं। जैसे आप इंग्लैंड में देखते हैं कि दीवारों पर सड़कों के नाम अंग्रेजी में, बंगाली में, उर्दू में और पंजाबी में लिखे होते हैं, वैसे इटली के वहां पर भी इटालियो में और पंजाबी में लिखे होते हैं सड़कों के नाम। तो वैसे एक राष्ट्र में अगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा का कर्मचारी किसी सिख को पगड़ी उतारकर ट्रे में रखकर एक्सरे कराने के लिए कहता है तो ये दुर्भाग्यजनक है। और हमने मांग की है कि ऐसा होने पर तो फिर यहां पर इटली के जो लोग आए विदेश से उनके साथ भी वैसी शंका जाहिर करते हुए उनकी सुरक्षा का ये किया जाए जैसा किसी माफिया के साथ किया जाता है। सदन में ये बात उठी और सबने समर्थन किया। मैंने जो कहना था आपको कार्रवाई के लिए आज की, आप लोगों को भी शुभकामनाएं क्योंकि आप लोग भी विचलित थे कि सदन क्यों नहीं चल रहा है, सदन चल पड़ा है, अब आपको ज़्यादा खबरें मिलेंगी, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इतना ही कहना था मुझे।